ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 9 मार्च, आज के ही दिन की रिकॉर्डिंग है। हो सकता है आपको ये 1 या 2 दिन के बाद में सुनने के लिए मिले, लेकिन आप 6वें दिन, 7वें दिन और 8वें दिन के ईश्वरीय वरदान को जरूर सुनिएगा। और इसके लिए भी प्रतीक्षा करिएगा इसके लिए। तो परमपिता परमात्मा आज के ईश्वरीय वरदान में हमें सिखाते हैं कि हम रॉयल आध्यात्मिकता में रॉयल्टी क्या है और पवित्रता क्या है। वो तो हमारे चेहरे पे ही दिख जाती है, तो उसको हम छुपा नहीं सकते, उसको हम फेक नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, कि औरों के सामने फेक करो, स्माइल फेक करो, है ना, तो लोगों को लगेगा आप खुश हो, आप ठाके मार के हंसो, हा हा हा। बहुत जगह पर होता है ऐसे, पार्क में जाकर के लोग हा 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 करते हैं, अंदर से खुश नहीं है लेकिन बाहर से हंस रहे हैं। बड़े बड़े सोचते हैं कि हम बाहर से हंसेंगे तो हो सकता है शायद से अंदर खुशी आ जाए, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि ये वो बात नहीं है, इसको आप छुपा नहीं सकते हो। परमात्मा कहते क्या हैं, बाबा कहते हैं, अपने चेहरे और चलन से हमारी चलन क्या है, एक्टिविटी क्या है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अनुभव किसको कराना है, औरों को कराना है। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। स्पिरिचुअल रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है, संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, है ना। तो परमात्मा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य कर लिया आपने, हस्बैंड वाइफ हो, साथ में रहते हो, ब्रह्मचर्य में रहते हो, या आप अगर कुमार हो या कुमारी हो, अलग से रहते हो, ब्रह्मचर्य में रहते हो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि शादी नहीं करते, जो कि काम विकार में नहीं जाते, जो बच्चे नहीं चाहते हैं तो वो काम विकार में नहीं जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं एक प्रकार से। तो परमात्मा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन अगर आपकी सोच अपवित्र है, आप एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, आप ऊंच नीच की बात करते हैं, आप लेन देन की बात करते हैं, अमीर कौन गरीब कौन की बात करते हैं, अगर आप एक दूसरे के अंदर बुराइयां देखते हैं, तो आप पवित्र आत्मा नहीं हैं, वो रॉयल्टी नहीं है। परमात्मा कहते हैं संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो संपूर्ण प्योरिटी मतलब आपका ब्रह्मचर्य भी हो और एक दूसरे के प्रति और संसार के प्रति, लोगों के प्रति आपका नजरिया पवित्र हो, आपके मन में किसी के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष या कपट ना हो। फिर बाबा कहते हैं इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। अगर आप पवित्र हैं तो आपके स्वरूप से दिखाई देगी आपके। ये चमक कभी छिप नहीं सकती, आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। वो नहीं कि आपने मेकअप लगा लिए तो हाँ आप गोरे दिख रहे हैं, या आपका चमक रहा है चेहरा, आपने तेल लगा लिया तो आप बड़े रॉयल हो गए, आप बड़े मेडिटेशन करने वाले, बहुत आप पवित्र चात्रक आत्मा हो गए। नहीं, परमात्मा कहते हैं आप छुपा नहीं सकते। क्यों नहीं छुपा सकते हैं, देखते हैं जरा। बाबा कहते हैं ये चमक कभी छिप नहीं सकती, कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, बोलने का तरीका, उनका संबंध संपर्क, औरों से जब संबंध संपर्क में आते हैं, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। वो किस प्रकार से आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से क्या बातचीत करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि ये इंसान है कैसा, कि आत्मा में शक्ति क्या है, इस आत्मा में पवित्रता कितनी है। फिर बाबा कहते हैं वो प्रत्यक्ष करेगा, तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो। परमात्मा कहते हैं कि देखो दुनिया वाले किसमें देखते हैं, दुनिया वाले तो क्या करते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो अपने सिर्फ चेहरे को ही देखते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, कितना अच्छे कपड़े पहने, सस्ते धजते हैं, वो तो बाहर शरीर को सजाते जाते हैं जो कि उनको यहाँ पे छोड़ के जाना है, वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको तो मैं परमानेंट इन्वेस्टमेंट कराता हूँ कि आप आत्मा, अपने मन और अपने बुद्धि को पवित्र बनाओ। तो परमात्मा कहते हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, और तुम कितने पवित्र बने हो, तुम उसको अपने ज्ञान के दर्पण, ज्ञान के आईने में चेक करो कि भैया मेरे अंदर क्रोध कितना है, अहंकार कितना है, ईर्ष्या कितनी है, घृणा कितनी है, नफरत कितनी है मेरे अंदर, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसके हिसाब से मैं आत्मा ब्यूटीफुल हूँ कि मैं आत्मा कुरूप हूँ, अपवित्र हूँ। तो परमात्मा कहते हैं कि उसको आप चेक करो। फिर बाबा कहते हैं तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर, ये वाले चेहरे पर, चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है। क्या मेरा बिहेवियर रॉयल है, मेरी सोच रॉयल है, मेरे बोल रॉयल है, मेरी एक्टिविटी रॉयल है, वह साधारण चेहरा है, साधारण चलन है। साधारण चेहरा होता तो क्या करते हैं, फटाफट मेकअप लगाते हैं। साधारण चेहरा मतलब आत्मा का दर्पण, आत्मा का चेहरा कैसा है, पवित्र है कि साधारण है। छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाना, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या हो जाना, ये साधारणता है। लेकिन जो रॉयल आत्मा होगी, पवित्र आत्मा होगी, वो इन सारी चीजों से कहीं ऊपर होगी। तो आप कैसी आत्मा है, और अगर आप रॉयल आत्मा, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आत्मा, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो आप 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स करें और आगे इस पढ़ाई को
लेते चलें, जो कि आप अपने सिटी में किसी भी शहर में कर सकते हैं जाकर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर से। इसी के साथ ओम शांति।